रॉबिन, क्या तुझे पता है स्कूल में आज गूगल के सीईओ सुंदर चाय पी जी आ रहे हैं? हाँ, मुझे पता है। तू उनसे कोई सवाल पूछेगा? हाँ, मैं उनसे पूछूंगा कि आप कौन सा फोन यूज करते हो, फिर मैं भी बड़ा होकर EMI पर वही फोन लूंगा और मैं भी उनकी तरह बन जाऊंगा। अरे तू भी ना, किसी की तरह बनने के लिए उनका स्टाइल नहीं, उनकी सोच और समझ कॉपी करनी होती है। ओ, तू उनसे क्या पूछेगा? मैं उनसे पूछूंगा कि सुंदर जी, आपने आपकी कंपनी को इतना बड़ा कैसे बनाया? जो हमारी ऐप है गूगल, उसे बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स गूगल पर अपनी एड्स यानी एडवर्टाइजमेंट्स लगाना चाहते हैं। इन एड्स के लिए वो हमें पैसे देते हैं और उसी से हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो पाई है। आइडिया तो ये था, और फिर जब आप एक आइडिया के पीछे लग जाते हो और आपके हर दिन का रूटीन उसी आइडिया के आसपास होता है, आप धीरे धीरे उसे बड़ा भी बना पाते हो और रोज थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाकर उसे बेहतर भी बना पाते हो। अरे ये क्या हो गया, तुम दोनों इतनी पतली कैसी हो गई? हमें बहुत दिनों से खाना नहीं मिला। हमारे पास तुम्हारी तरह मम्मी नहीं है जो हमें रोज खाना बनाकर खिलाए। वो तो तुम्हारी मम्मी जैसे कुछ लोग हैं, जब हमें खाना भेज देते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत काम चल जाता है, पर कुछ दिन बिना कुछ खाए ही निकल जाते हैं। अरे पर रोज इतने सारे लोग मंदिर आते हैं, क्या वो तुम्हें खाना नहीं खिलाते? वो लोग तो सारा खाना जो अंदर बैल है उसे ही खिला देते हैं, हमें वो खाना नहीं मिल पाता। ओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी समस्या को हल करने की कोशिश करता हूँ। मुझे सुंदर चाय पी जी से मिलना है। क्या आपने ईमेल करके उनसे अपॉइंटमेंट ली थी? अरे रॉबिन, तुम यहाँ कैसे? जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। ओ, चलो कहीं बैठ कर बात करते हैं। वाओ, ये क्या है? ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। वो इंटेलिजेंस यानी ये टेक्नोलॉजी लोगों को समझदार बना देती है। दरअसल बात ये है कि टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती, अगर उसका यूज ध्यान से ना किया जाए या बुरी सोच के साथ किया जाए तो उसका रिजल्ट बुरा होता है, अगर समझदारी और अच्छी सोच के साथ किया जाए तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। हाँ तो रॉबिन, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ सुंदर जी, मैंने देखा है कि सड़कों पर बहुत सारे भूखी गाय घूमती रहती है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आती है, पर बहुत से लोग उन्हें रोज देखते हैं। तो जैसे कि आपकी ऐप को एडवर्टाइजर्स ऐड लगाने के पैसे देते हैं क्योंकि लोग उसे देखते हैं, क्या वही एडवर्टाइजर्स अगर गायों पर ऐड लगा दे तो वो उन गायों का पेट भरने के लिए थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है रॉबिन। रॉबिन, लोग अधिकतर मौज मस्ती पार्टी करते हैं, कोई गायों के बारे में तो सोचता नहीं है, तो आपके दिमाग में गायों के बारे में विचार कैसे आया? क्योंकि माँ ने मुझे सिखाया है कि तुम वही करोगे जो सब करते हैं तो तुम उन्हीं की तरह रह जाओगे। कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है, और जब मैं कुछ अलग करूँगा तो ही तो अलग बनूंगा।